स्वीटहार्ट्स, इफ अगर आप इस वीडियो तक आए हो सो ये रीडिंग है आपके लिए। नो मैटर व्हाट, इफ आप मेरे सब्सक्राइबर हो, नो मैटर व्हाट आप मेरे चैनल देखते हो या फिर नहीं देखते हो, इफ इस वीडियो तक आए हो तो स्पिरिट्स की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यहाँ पर से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। हाय, मैं हूँ जुई, मेरे चैनल क्वीन ऑफ 516 में आप सभी लोग एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ पर रहे होंगे। सो आपको यहाँ पर क्या करनी है, टू ग्रुप्स मैंने क्रिएट किया हुआ है, ज़्यादा नहीं किया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर एक पिंक ग्रुप है, यहाँ पर एक ब्लू ग्रुप है और इस कार्ड्स के पीछे ना कुछ मैसेजेस है, तो वहाँ पर सबको पता चल जाएगी कि उस कलर ने या फिर उस ग्रुप ने आपको क्यों अट्रैक्ट किया है, आपने उस ग्रुप को क्यों चूज़ किया है। तो आपको क्या करनी है, थोड़ी सी पॉज करके यहाँ से चुननी है या फिर यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है तो आगे क्लिप प्ले कर दूंगी, वहाँ से पॉज करके अपना ग्रुप सिलेक्ट करनी है। नीचे टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प पे जाके क्लिक करोगे या फिर टैप करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। इफ़ अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी juinandi555@gmail.com जो कि सभी स्मॉल लेटर में है मिल जाएगी और स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। और इफ़ अगर इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो डेली बेसिस के रीडिंग पाने के लिए, कार्ड ऑफ द डे होती है, बहुत सारे रील्स डालती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय ग्रुप वन, इफ आपने ग्रुप वन को चूज़ किया है यानी कि पिंक ग्रुप को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। यहाँ पर कुछ मैसेजेस है जो कि मैं एकदम लास्ट में रीड करूँगी, अभी नहीं रीड करूँगी, अभी मैं आपके कार्ड्स देख लूँगी कि कार्ड्स में क्या आती है आपके लिए, मुझे क्या पता चलती है। स्टार्ट करते आपके टैरो से और ऑल्सो आज मैं थोड़ी सी चैनल मैसेजेस चेक करूँगी। बताइए स्पिरिट्स फॉर पल वन, थैंक यू। फोर पल वन, मुझे थ्री कार्ड्स चाहिए, वन टू थ्री, ओके थैंक यू स्पिरिट्स। बॉटम से है एस ऑफ रो स्वर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है या फिर स्पिरिट से कुछ मांग रहा है। ये पायल जैसे कि दुआ करना होती है ना, वो दुआ कर रहा है और स्पिरिट्स की तरफ से आंसर आ रही है कि तुम्हारी दुआ कबूल हो रही है, वो दुआ काम कर रही है। क्यों बोल रही हूँ, देखिए अच्छे से देखेंगे इस कार्ड को तो इस पर क्या दिखेगा, एक्स वर्ड्स है। सो यहाँ पर थोड़ी सी क्लाउड्स है और क्लाउड्स के अंदर से थ्री रोशनी आ रही है, अच्छे से देखो ये तीनों रोशनी आ रही है। तो मुझे आपके लिए वही फील हो रहा है कि जैसे कि होती है ना कि चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं ख़त्म हो चुकी है, आपको नहीं दिख रहा है कुछ चीज़ें, बट असल में वो काम कर रही है, असल में वो असर दिखाना स्टार्ट करेगी, लेकिन आपको यहाँ पर धैर्य के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। जल्दबाजी यहाँ पर बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताती हैं। किंग ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ओ माय गुडनेस, द जजमेंट। ओके सो फर्स्ट जो गाइडेंस मिल रहा है, जो लोग भी सोल जर्नी में मानते हो, मुझे पहले उन लोगों के लिए बतानी है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस सबसे पहले उन लोगों के लिए आ रही है, तो मुझे उन लोगों के लिए बतानी है, उसके बाद मैं एक एक करके
और जो गाइडेंस मिलेगी मैं बता दूंगी। जो लोग भी यहाँ पर सोल जर्नी में हो, आई फील आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, मतलब टक्कर के हो, ऐसे टक्कर के हो, एक स्ट्रांग जर्नी पे हो, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। बट एक दूसरे से शायद बात नहीं हो रही है, एक दूसरे से झगड़ा है या फिर सेपरेशन है, कुछ तो है, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। बट यहाँ पर एक क्लैरिटी आता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि जजमेंट है। आई फील कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है उनको वो भी कुछ स्टैंड नहीं ले रहे हैं, और जो फेमिनिन है वो भी कुछ स्टैंड नहीं ले रहे। तो यहाँ पर स्पिरिट्स कुछ स्टैंड लेने वाले हैं, कोई किसी से बात कर सकता है, क्योंकि एस ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी एक कम्युनिकेशन की होती है। तो यहाँ पर बातें स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एक न्यू शुरुआत हो रही है, मुझे एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए अभी आते हैं और क्या दिख रहा है, बाकी लोगों के लिए मुझे जैसा कि दिख रहा है ये सेकेंड चांस है आपके लिए। कुछ स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए एक सेकेंड चांस है जो आपको मिल रहा है, जो आपको यूटिलाइज करनी है, जिसके लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे। फाइनली जाके आपका वेट ख़त्म हो रही है और आपको जैसे कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपको जैसे कि एक होती है ना एक मौका मिल रहा है, हाँ वही, इस मौके की तलाश में थे तो वो मौका मिल रहा है। और यहाँ पर स्पिरिट्स की तरफ से कुछ जजमेंट होने वाली है, आप करो या फिर ना करो, आप करने पे मजबूर हो जाओगे या फिर सामने वाला करने पे मजबूर हो जाएगी, सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट हो जाएगी। अब जो चाहते हो फाइनली जाके वो पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके मन में जो भी है, जिसको लेकर भी मन में बहुत कुछ चल रही है ना, तो थोड़ी सी धीरज रखे बैठ जाओ। जो लोग बहुत ज़्यादा आपके गुस्से की प्रॉब्लम है, या फिर बहुत ज़्यादा आप कटे कटे रहते हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत ज़्यादा जो होती है कि मुंह के ऊपर बोल देना, जो सच है वो सच बोल देना, वो किसी को बुरा लगे या फिर क्या, लेकिन वो चीज़ करना, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, उसमें कुछ सुधार आ सकती है। आपको कुछ समझ, यहाँ पर किसी को कुछ समझने की ज़रूरत है, या फिर किसी को कुछ समझ आ रही है कि मुझे ये करनी चाहिए, मेरे लिए ये सही है, मैं ये करूं तो मेरे लिए ये हो सकती है, मेरे लिए ये डिसीशन सही है। यहाँ पर कुछ डिसीशन है, डेफिनेटली पहलवान आपके लिए एक डिसीशन है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगी। लेट्स सी आपके और कार्ड्स क्या बताते हैं, तो मुझे ना और क्लैरिटी मिल जाएगी। पायल वन के लिए जिन्होंने भी पिंक ग्रुप को चूज़ किया है, उनके लिए क्या है, ओपन कम्युनिकेशन। सी मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन होने वाली है, जो लोग भी कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो, वो किसी से बात करना हो, करियर से रिलेटेड हो या फिर जो भी हो, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन जिसके तलाश पे आप थे या फिर जिसके इंतज़ार पे थे, ओके इंतज़ार पे थे, तो वो पूरी हो रही है फाइनली, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है। आपको शायद बहुत वेट करनी पड़ी है इसके लिए, वो भी मुझे दिख रहा है, बट आपको वो सेकंड चांस मिल रहा है। आर्कएंजल माइकल है आपके साथ, वो कह रहे हैं कि हेवन को ट्रस्ट करो, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है हेवन के ऊपर। देखो सारी चीज़ें ना डिवाइन टाइमिंग के ऊपर होती है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या फिर आपने कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से आप इतना स्ट्रांग बन गए हो, इतना स्ट्रिक्ट बन गए हो, कि कहीं ना कहीं डिवाइन के ऊपर भी जो होती है ना, जो विश्वास है, थोड़ी सी डगमगा सकती है। बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि आपके हित में जो हो रहा है, आपके हित में हो रहा है, और जो चीज़ें आपको आगे चल के मिलेगा ना, वो डिवाइन टाइमिंग में ही मिलेगा। इसीलिए जिनको भी मानते हो उनके ऊपर से अपना ट्रस्ट मत खो। और इफ़ अगर आप अपने दिल में बहुत कुछ दबा के रखते हो, कुछ लोगों के लिए ये है मैसेज, इफ़ अगर बहुत कुछ दिल में दबा के रखते हो, तो आपको कहा जा रहा है ओपन अप हो, दिल को हल्का करो, किसी से बातें करो जिससे आप कंफर्टेबल हो। यहाँ पर जैसे कि बोलने की ज़रूरत है, यहाँ पर मन को शांत रखने की ज़रूरत है, मन को हल्का रखने की ज़रूरत है। इफ़ अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो कर लो। लेट्स सी और क्या पता चलती है आपके लिए।
थैंक यू। यहाँ पर है माइंड, माइंड का बहुत इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर, दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनी जा रही है यहाँ पर, और यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि आप अपना दिल की आवाज़ को नहीं सुन रहे हो, बल्कि जो कि इसका उल्टा स्पिरिट्स करने के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ी सी दिल की सुन लो। जब तक दिमाग में रहोगे तब तक आपको सही गलत का फैसला आप शायद वैसे नहीं कर पाओगे, आपको जो दिखेगा आप उस पर ही बिलीव करोगे। बट उसके बाहर भी कुछ होता है जो हमें नहीं दिखता है, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड होती है, राइट? तो या लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताती है। यहाँ पर किसी को अपने दिल की बात को सुनने की जरूरत है, ठीक है? लेट गो, कुछ लेट गो करने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं स्पिरिट्स आपको। कुछ चीज़ें शायद आप मन में रख रहे हो और लेट गो नहीं करने दे रहे हो। जो दर्द होती है ना, दर्द को बांटने से दर्द कम होती है, और दर्द को लेकर अगर चलोगे तो वो एक टाइम बाद जाके ना बोझ बन जाती है। तो इफ़ अगर कुछ चीज़ें आपको दर्द दे रही है, कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, तो उसको लो और फेंक दो। अब कैसे फेंकनी है ये आप देखो, सल्यूशन आप निकालो, क्योंकि आपके सोल को आपको कैसे अच्छे तरीके से ट्रीट करनी है, कैसे खुद को संभालना है, ये आपको देखनी है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है समझने की और उन चीज़ों को लेट गो करने की जो आपके सेहत के लिए सही नहीं है, आपको रोक रहा है, आपको परेशान कर रहा है। उस परेशानी को निकालो, निकल के बाहर फेंको। यहाँ पर स्पिरिट्स के गाइडेंस वो है। अभी मैं देखूंगी आपने ये ग्रुप को क्यों चूज़ किया है और इस ग्रुप ने आपको क्यों चूज़ किया है। फर्स्ट मैसेज है, मुझे ये देखकर लगता है, ये पिक्चर देख के सबसे पहले तो जो फील हो रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत अप एंड डाउन देखी है, बहुत ज़्यादा, और बट फिर भी आप हार नहीं मानते हो। लेकिन मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। नंबर 3 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इट इज़ नेवर टू लेट टू बी व्हाट यू माइट हैव बीन। आप क्या करना चाहते हो? आप क्या ये सोच रहे हो कि लेट हो चुका है, मुझे मौका नहीं मिलेगा, ये जो मौका मैंने गवा दिया है शायद वापस से नहीं आएगा, या फिर ये सोच रहे हो कि जो चीज़ें होती है कि डिले हो रही है, ये नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो सोच है ना, इसको बदलो। ये जो सोच है इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, स्पिरिट्स आपको एक दोबारा मौका दे रही है अपने लाइफ में उठ के खड़े होने का। कुछ तो है ऐसा जो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि आपको ये नहीं करनी है बल्कि ये करनी है। आपके सोच को बदलने की ज़रूरत है। सेकंड है, मुझे ये फ्लैग देख के ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसा कुछ काम करोगे फाइनली आपको लगेगा कि मैंने कर दिया है, और या फिर आप अपने फील्ड में एक झंडा गाड़ोगे, जैसे कि झंडा जो होती है ना कि विनर जो होती है कि फाइनली मैंने कर दिया है, अचीव कर लिया है, फिनिश लाइन तक मैं पहुंच गई हूँ। तो वैसी वाली यहाँ पर वाइब मुझे गेट हो रही है। लेट्स सी क्या है। 4 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफवे देयर। सी, आप इफ अगर सोचोगे कि आप कर सकते हो तो आप आधे रास्ते तक पहुँच जाओगे, और बाकी रास्ता जो कर्म है उसको करनी पड़ेगी, और आप एवे उसको जीत जाओगे। हो सकती है कि आपका काम डिले हो रहा है, हो सकती है कि आपको ये बहुत लॉन्ग जर्नी लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो भी काम हो रहा है बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी सारे कुछ हो जाता है, लेकिन आपके लिए मुझे वो नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है डिले। तो शायद आप उसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, ऑब्स्टिकल्स देखने की वजह से, देरी होने की वजह से, लेकिन जो भी हो रहा है ना आपके लिए डिफाइन टाइमिंग में हो रहा है, क्योंकि जजमेंट है। कुछ लोग यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हो, बट आपकी लव प्रोटेक्टेड है। देखो यहाँ पर एंजल विंग्स बना है, आपका जो रिलेशन है वो प्रोटेक्टेड है। आप
आपका जो पार्टनर है वो प्रोटेक्टेड है, आप दोनों के हार्ट प्रोटेक्टेड है, और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो सोल है उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो आप दे सकते हो, जो आपको देनी चाहिए, वो चाहते हैं कि आप उसकी बात को सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं आपको, उसकी टेक केयर करो, है ना, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। सो आपके मैसेज है नंबर 7 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। हैप्पीनेस इज नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। देखो हैप्पीनेस ऐसे ही नहीं आ जाती है, हमें बुलाना पड़ता है उसको। आपके पास चॉइसेस होती है, या तो फिर आप पॉजिटिव सोच के हैप्पीनेस को वेलकम करो, या फिर नेगेटिव सोच के हैप्पीनेस को बाय बाय करो। क्योंकि पॉजिटिव सोचोगे तभी हैप्पीनेस आपकी तरफ आएगी। आपको ऑब्स्टिकल्स देखते हो, प्रॉब्लम्स देखते हो, और तब क्या होती है, नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है और ऐसे नॉक करके बोलती है मैं आऊँ, तो आप इफ अगर आने देते हो तो क्या होती है, वो चीज़ें और भी ज़्यादा डिले होने लगती है। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग नेगेटिविटी को वेलकम ही नहीं करते हैं बल्कि दरवाज़ा और भी ज़्यादा अच्छे से लॉक कर देते हैं और ऐसा सोचते हैं नहीं मैं नहीं आने दूंगी, जितना तुम नॉक करो मैं नहीं आने दूंगी क्योंकि तुम तो मेरे सेहत के लिए सही नहीं हो, मैं क्यों आने दूँ। तो ऐसी थॉट्स जब आप रखते हो, ऐसी थॉट्स जब आप अपने मन में लेते हो, तब क्या होती है, दूसरी तरफ से पॉजिटिविटी आपकी तरफ खींचा चला आती है और आपका काम जो है वो और भी ज़्यादा आसान होने लगती है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए यही स्पिरिट्स की तरफ से मिल रहा है कि आपको हैप्पीनेस को बुलानी है तो ये आपके लिए एक चॉइस है, ये कोई चांस नहीं है, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं आपके लिए चैनल मैसेज क्या आती है। ओके वन, मैं 3 चैनल मैसेजेस निकालूंगी, 2, 3। आपके लिए मैसेजेस है प्लेफुल। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी प्लेफुल होने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अपने में एनर्जी लाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी बच्चों जैसी काम भी कभी कभी अच्छा होती है, थोड़ी सी अपने मूड्स को लाइट रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक सीरियसनेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो थोड़ी सी आपको वो एनर्जी लाने की ज़रूरत है अपने में, ठीक है। द फूल की जो एनर्जी होती है ना, बिंदास, बहुत प्रॉब्लम्स है बट फिर भी वो बिंदास चलती है, उसको उसको अपने लाइफ में जो भी करना है वो करता है वो चीज़, तो वैसे ही लॉयल हार्ट। यहाँ पर कोई तो है जो कि बहुत लॉयल है, आप किसी के लिए हो या फिर आपके लिए कोई है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इफ़ अगर विद दिस लॉयल हार्ट, मुझे जो मैसेज रिसीव हो रहा है कि इफ़ अगर आप चाहो कुछ दिल से करना चाहो और दिल से मन से अपने अंदर की जो आवाज़ होती है उसको सुनते हो ना, तो आप सक्सेस देखोगे, करके देख सकते हो, वो मैसेजेस यहाँ पर मिल रही हैं। ग्रोथ है, सी तो ग्रोथ पाओगे। इसके बाद ये आना, मतलब कन्फर्मेशन ये मिलना कि मैंने जो आपको मैसेज दिया है वो सही है, कि इफ़ अगर आप अपने दिल की सुनते हो तो आपको ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से मिलेगी, बल्कि जो कि आप कर रहे हो दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो, तो यहाँ पर उसके उल्टा करने के लिए बोला जा रहा है कि दिल से थोड़ी सी सोचो, दिमाग को भी इस्तेमाल करो, दोनों की ही ज़रूरत है हमें। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपने अपना दिल के सुनना बंद कर दिया है, तो वो नहीं करनी है, ठीक है ना। सो ये सारे मैसेजेस आपके लिए था, आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आई है। इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करके जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हे ग्रुप 2, इफ़ आपने ब्लू ग्रुप को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। इसके पीछे कुछ मैसेजेस हैं जो कि हम एकदम लास्ट में रीड करेंगे, तब तक इसको यहाँ पर रख देते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। थैंक यू।
फॉर ग्रुप टू, बताइए स्पिरिट्स इनको क्या बताना चाहते हैं आप। कुछ लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी पानी पीने की ज़रूरत है, जैसे कि होती है ना, कोई बंदा बहुत मेहनत कर रहा है कुछ काम के पीछे, उसको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो वैसी वाइब आ रही है। थैंक यू फॉर ग्रुप टू, बताइए स्पिरिट्स। थैंक यू वन टू एंड थ्री, ओके। सो यहाँ पर बॉटम से है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड स्ट्रेंथ दिखा था, सो आई फील कि यहाँ पर कोई जैसे कि स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश में है, ऑलरेडी या तो फिर बन चुका है या फिर कोशिश में है, वो अपने पर्सनल लाइफ से हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से हो। आप जैसे कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद के फाइनेंस को हो सकती है, यहाँ पर करियर से रिलेटेड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है, एंड जैसे कि आप खुद में ग्रोथ ला रहे हो, उसके पीछे लगे हुए हो, मुझे वही वाइब आ रही है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताती हैं। टू ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। या मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक जिद्दीपन, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे ये करनी है और मेरे पास ये चीज़ें हैं, बट मुझे ये चाहिए। आपको पता है कुछ चीज़ें आपके पास है, बट आपके दिमाग में कुछ ऐसी है कि मुझे ये चाहिए, तो आप उसके पीछे दौड़ रहे हो, उसके लिए देख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट्स आपको कुछ देना चाहते हैं या फिर स्पिरिट्स आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, जिसमें आप थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड हो, जिसमें आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या ये मेरे लिए है, ये मुझे मिले। आप जैसे कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी और सोच में डूबे हुए हो, बल्कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कुछ आपको दिख रहा है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए या तो फिर रेडी नहीं हो, या फिर उसको देख के भी अनदेखा कर रहे हो, या फिर आप कुछ और सोच रहे हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, कुछ तो है जिसको जैसे कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होना होती है ना, तो वो वाली वर्ड मेरे दिमाग में आ रही है। कुछ तो है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कुछ थॉट्स हो सकती हैं या फिर कुछ कन्फ्यूशंस हो सकती हैं, कुछ हैं, बट आप एक्शन लेना चाहते हो, शायद कन्फ्यूज्ड हो या फिर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से मुझे आप स्टक दिख रहे हो, ओके। विद दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स मुझे ऐसा वाइब आ रही है कि आप किसी को स्टॉक कर रहे हो या फिर कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आप कहीं पर कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो, एक्शन लेना चाहते हो, बट उसके लिए सोच रहे हो, ठीक है, अभी भी एक्शन नहीं ले रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आप सोच रहे हो, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, मुझे वही दिख रहा है। शायद आपको लगता है कि आपको उस चीज़ को पाने के लिए और थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, शायद आपको लग रहा है कि वो मेरे लिए है कि नहीं, कुछ थॉट्स है, वो थॉट्स क्या है ये आपको पता होगा अच्छे से, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आप कुछ सोच रहे हो। एंड विद दिस टू ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा लगता है आप दो काम को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो या फिर अपने थॉट्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, कन्फ्यूजन को हटाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जिसको आप हैंडल करना चाहते हो, बहुत पोलाइटली हैंडल करना चाहते हो, बहुत पोलाइटली उसको आप बैलेंस करना चाहते हो, बस यही सारे कुछ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी आपके कार्ड्स और क्या बताती हैं, तो मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पर और क्या स्पिरिट्स बताना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स। पाइल टू को आप क्या बताना चाहोगे। ग्रीन तारा, इस पाइल के लिए ग्रीन तारा मंत्र चैंट करना बहुत अच्छा होगा। इफ़ अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, इफ़ नहीं करते हो तो करने लग जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, जो कन्फ्यूशन है वो हट जाएगा और आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे।
इफ़ अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप प्रोटेक्शन पा रहे हो उनके तरफ से, और आपके जो भी कन्फ्यूजन है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कट हो रही है, वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि वो रिमूव हो रही है। ओके, यहाँ पर ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है स्पिरिट्स के ऊपर। एसेंशन, सी यहाँ पर ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं बोलती है कि आप अपने ट्रू सेल्फ में आओ, आप क्या हो वो दिखाओ, आप क्या कर सकते हो उसको समझने की कोशिश करो। अगर आप में कुछ टैलेंट है तो उसको खोजने की कोशिश करो, उसके ऊपर काम करो और चीज़ों के बारे में मत सोचो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सोच रहे हो कि हम ये करूँ तो ये हो सकती है क्या, या फिर ये करूँ तो ये हो सकती है, उसने ये किया है तो वो सक्सेसफुल हुई है तो मैं ये करूँ, या फिर उसने ये किया है सक्सेसफुल हुई है तो मैं ये करूँ, या फिर मैं ये काम करूँ, मतलब कुछ ऐसे थॉट्स, समझ रहे हो ना, मैं ये एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो आपको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिचुएशन में जगल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके थॉट्स को वो क्या कहती है, आपके थॉट्स में ना स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपको जो ज़रूरत है वो है खुद के दिल की बात को सुनने की, और थोड़ी सी दिमाग से काम लो कि आप में क्या टैलेंट है, आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसमें आप माहिर हो। मुझे यहाँ पर स्पिरिट्स ये बता रहे हैं कि आप में एक बात है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कट हो जाएगी टाइम के साथ, लेकिन उसको लेकर उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो प्रॉब्लम्स नहीं है बल्कि जो सल्यूशन है उसके बारे में सोचो कि कैसे वो हो सकती है, जो मैं करना चाहती हूँ वो कैसे हो सकती है, क्या ऐसा करूँ। इन द सेंस आपको एक सल्यूशन के बारे में सोचने की ज़रूरत है, वैसी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है जो आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में है। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये स्नेक की तरफ मेरी आग गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप में वो बात है कि आप खुद को किसी भी सिचुएशन में ढाल सकते हो, आप एडेप्टेबल हो। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये करोगे तो आपके लिए सही साबित होगी, उसके लिए आपको खुद को कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप में वो बात है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि लाइट कहाँ पर है। लेट्स सी आपके और कार्ड्स क्या बताती है। यहाँ पर ये कार्ड गिरा था, नो नीड टू वरी, आपको कहा जा रहा है कि चिंता मत करो। मुझे ऐसा दिख रहा है इस पाइल को जैसे कि बहुत कुछ का चिंता है, इस पाइल के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जिसको लेकर दुखी हो रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे पास तो नहीं है, बट उसके पास है और उसके पास और भी आ रही है, बट उसको नहीं देखना है, उसको नहीं समझना है, आपको समझने की ज़रूरत है। पाइल टू, सैड नहीं होनी है, आपके पास जो आ रही है सिर्फ उसके लिए वेट करो, उसको देखने की कोशिश करो कि आपके पास क्या है, जब देखोगे ना आपके पास क्या है तब आप समझ पाओगे कि क्या आ रही है, और तब धीरे धीरे करके आपको दिखेगा स्पिरिट्स आपको क्या दे रहा है। इस कार्ड को देखोगे तो एक बच्चा या फिर बंदा बैठा हुआ है एक सोच में, बहुत एक सोच में डूबा हुआ है, उसके पास थ्री कप्स ऑलरेडी अवेलेबल है और स्पिरिट्स उसको एक और कप देना चाहते हैं, बट वो इतना सोच में डूबा हुआ है कि स्पिरिट्स के ये कप वो देख ही नहीं पा रहे हैं, और उसके पास जो कि ऑलरेडी थ्री कप है उसको भी नहीं देख रहा है। तो ऐसे करोगे तो कैसे आप अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, कैसे सल्यूशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो यही बताना चाहते हैं स्पिरिट्स आपको। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेजेस हमें मिलती हैं। एंजल्स आपको डायरेक्टली क्या बताना चाहते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, सी मैंने आपको कहा है कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको मंत्र चैंटिंग की ज़रूरत है, आपको स्पिरिट्स के साथ
कनेक्ट होने की ज़रूरत है, इस पाइल को हीलिंग की ज़रूरत है, इन द सेंस इस पाइल को हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप हील नहीं करोगे खुद को, तब तक स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे, तब तक नहीं समझ पाओगे, तब तक दिमाग को शांत नहीं कर पाओगे, और ये सारे थॉट्स आपके दिमाग को मतलब पूरी तरीके से खोखला बना देगा, और जो पॉसिबिलिटी आपकी तरफ आ रही है आप उसको नहीं देख पाओगे, जब तक नहीं देख पाओगे तब तक कैसे उसको आप एक्सेप्ट करोगे, है ना। समझ, ये चीज़ें समझो, क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स आपको। लेट्स सी आपके ये कार्ड्स के मैसेजेस क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सुबह होने वाली है इस इमेज को देख के, कि रात ढल के सुबह होने वाली है, तो कोई जैसे कि जाग रहा है, कोई जैसे कि देखने वाला है, तो इस पाइल की भी सुबह होने वाली है, इस पाइल की भी फाइनली वो जो आँख होती है ना वो खुलने वाली है, इस पाइल को भी कुछ पता चलने वाली है। या वही है, देखते हैं मैसेजेस क्या है। ऑल वी हैव टू डिसाइड इज व्हाट टू डू विद द टाइम दैट इज गिवन अस। फाइव, नंबर फाइव कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। देखिए, हम तो बहुत कुछ सोच लेते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम 20 तक ये करेंगे, 25 तक ये करेंगे, 30 तक ये करेंगे, 40 तक ये करेंगे, तो ये हम सोच लेते हैं। बट क्या होती है, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है तब तक हमें वेट ही करनी पड़ती है। एक टाइम बाद हमें सक्सेस के लिए डेफिनेटली वेट करनी पड़ती है, जो कि जिसकी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, सिर्फ जिनको हम मानते हैं यानी कि गॉड के पास होती है। तो आपको कहा जा रहा है कि उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मत ध्यान दो जो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर है। कुछ काम कर रहे हो उसके पीछे जो सक्सेस के लिए आप वेट कर रहे हो, इफ़ अगर आप परेशान होंगे कि मुझे कब सक्सेस मिलेगी, मुझे कब ये मिलेगी, मेरा काम कब ये होगा, मेरा प्रॉब्लम्स का सलूशन कब आएगा, तो सोचने से क्या आ जाएगा, नहीं आएगा। बल्कि इफ़ अगर आप अपना काम करते रहो तो एक टाइम बाद जाके आप देखोगे कि आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। और विद दिस लीफ मुझे ऐसा लग रहा है ये चेंजेस आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। ये एक लीफ है और फ्लावर भी है, लेकिन फ्लावर पूरी तरीके से ये ओपन नहीं हुआ है, पूरी तरीके से ये नहीं ओपन हुआ है। सो आई फील के चेंजेस आ रही है, आपको पूरी तरीके से वो नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत जल्द दिखने को मिलेगा आपको। सी यहाँ पर भी जो इमेज है, यहाँ पर भी एक सवेरा हो रही है, तो इस पाइल के जीवन में कुछ न्यू स्टार्ट आ रही है। इस पाइल ने खुद के ऊपर काम किया है या फिर काम कर रहा है, जिसके वजह से इस पाइल के लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही है, मुझे ये बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। नंबर 11 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। यू आर इनफ जस्ट एज यू आर। आप देखो, आप जैसे हो अच्छे हो, कभी भी खुद के ऊपर शक मत करना कि आपके लिए आप में कोई कमी है, इसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ और इसकी वजह से मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। बल्कि आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो, और इसके वजह से ही स्पिरिट्स आपको इस वीडियो तक लाए हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हो इस वीडियो से, इफ़ अगर तो फिर ये मैसेजेस आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप इनफ हो, आप कर सकते हो। लास्ट मैसेज आपके लिए है नंबर 2, सम पीपल लुक फॉर अ ब्यूटिफुल प्लेस, अदर्स मेक अ प्लेस ब्यूटिफुल। देखिए क्या होती है ना, कर्म एक बहुत मैटर करती है और लक बहुत मैटर करती है। कोई कोई बंदा जब वो जन्म लेता है तो बहुत रिच फैमिली में होते हैं, उनके पापा या फिर मम्मी बहुत, उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होती है, तो उस बच्चे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपने करियर सेट करने के लिए। लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं या फिर जो पुअर पीपल होते हैं, उनको अपने करियर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही। स्पेशली जो लोग मिडिल क्लास होते हैं तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपना सपना पूरे करने के लिए, उस कुछ अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर वैसा ही है कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जिन लोगों को ब्यूटीफुल प्लेस ऑलरेडी मिल जाता है तो उनकी तो बात अलग है, लेकिन कुछ लोगों को उस प्लेस को ब्यूटीफुल करना पड़ता है। मतलब जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को मिल गई है
बट आपको नहीं मिले हैं ना, तो उसके पीछे आप करो, आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ये वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसको हम नहीं टाल सकते हैं, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये बहुत एक करवास अच्छा है जो हमें अपने लाइफ में एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो वैसे ही कुछ मैसेजेस हैं, आई फील इस पायल को अपने मन में बहुत दुख है कुछ चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा ये पायल सोचता है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है और दुखी हो जाता है बहुत जल्दी। इस पायल को थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है, सो या यहाँ से मोटिवेशन लीजिए और आज ही से लग जाइए कि मुझे करनी है, मतलब करनी है, ज़्यादा नहीं सोचनी है और जब जो होगा अच्छे के लिए होगा। बल्कि मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आपको वो दिखेगा, जब भी आप लेट गो कर दोगे ना पायल टू, मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि चीज़ें आपके तरफ आता हुआ आप दिखोगे, क्योंकि ये जो इमेजेस जो है ना वो मुझे कहीं ना कहीं बता रही है कि आपके लाइफ में वो सुबह होने वाली है, जो भी डार्कनेस है वो हट रही है। आपको सिर्फ मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी लाइट रहने की ज़रूरत है, खुद में पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। और इफ अगर ये करते हो तो आप देखो कैसे आपके लाइफ में चेंजेस आती है, ये फॉलो करके देखो। ओके, अभी लेते हैं आपके लिए चैनल मैसेजेस, लास्ट 3 चैनल मैसेजेस हम लेंगे। 1 ओके, 2 एंड 3-4 ओके, 4 चैनल मैसेज साथ आना चाहती है तो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर है टीचर, सो यहाँ पर कुछ लोग टीचर बनना चाहते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट होंगे इफ अगर आप टीचर बनो तो। चिल्ड्रन, कुछ लोग मैरिड हो सकते हो और कुछ लोग यहाँ पर शायद प्रेगनेंसी के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो सकती है, या फिर चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर मैसेज की वेट कर रहे हो, मेल्स वगैरह की वेट कर रहे हो, कुछ मैसेज से रिलेटेड हो सकती है जो आपकी कंसर्न है। बैलेंस, या डेफिनेटली बैलेंस तो आपको करनी है अपने और आप करने की कोशिश भी कर रहे हो, वो भी मुझे दिख रहा है। आपके थॉट्स में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज मिल रही है कि आपको अपने लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके जो भी करनी है वो करनी है। एक मुझे जैसे कि गुड न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है क्योंकि मैसेज है यहाँ पर, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ पता चलने वाली है फाइनली इस पायल को। एंड विद दिस चिल्ड्रन एक न्यू बर्थ के बारे में बताती है, मेरे लिए बताती है एक न्यू बिगनिंग के बारे में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग 2 मैसेजेस है जो कि न्यू बिगनिंग के बारे में बताती हैं, बट फ्रैंकली मैं इफ़ अगर आपको बताऊँ तो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि 4 of cups है। जब तक आप देखने की कोशिश नहीं करोगे, कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे, ऐसे ओवर थिंकिंग करते रहोगे और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर समझ पा रहे हो तो फिर वो चीज़ें स्टक हो रही है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है चीज़ें जैसे कि स्टक हो रही है और वो नहीं आ रही है क्योंकि आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो आपको आपकी एनर्जी को लाइट रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। जब भी एनर्जी को लाइट कर लोगे तभी आप अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे और एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है ना। ये सारी मैसेजेस आपके लिए थी, आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।